घर के बड़े बहुत कॉमनली कहते हैं कि टाइम से बच्चा कर लो, टाइम से शादी कर लो, टाइम से प्रेगनेंसी प्लान कर लो, समय से बच्चा हो जाए तो अच्छा है। तो क्या ये सही में हमें मानना चाहिए जो ये लोग, जो हमारे बड़े, हमारे मम्मी पापा या सास ससुर जो हमें इतनी सलाह देते रहते हैं? तो आइए हम जानते हैं, क्या वो सलाह जेन्युइनली सही है, साइंटिफिक है या सिर्फ एक मिथ है? देखिए, आजकल पहले जहाँ शादियाँ होने की एवरेज एज 22-23 साल की होती थी, आजकल शादियां होती हैं 25-26 साल पे, इवन 27-28, 27-28। शादी होने के बाद में बहुत कॉमन हो गया है कि जो मैरिड कपल होता है, जो शादीशुदा दंपति होता है, वो कुछ साल सेटल होने में, अपने कैरियर को बनाने में या घूमने फिरने में लगाना चाहता है। ठीक है, बात भी सही है, 6 महीना साल लगाना एक दूसरे को समझने में, इतना समय देना भी चाहिए। परंतु आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि लोग 3 साल 4 साल या कभी कभी 5-5 साल भी इस चीज़ के लिए लेते हैं, यानी कि वो प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए उन्हें लगता है कि अभी का समय जो है वह काफ़ी जल्दी है और हमें उन्हें प्रेगनेंसी 4-5 साल बाद करनी चाहिए। तो देखिए, प्रेगनेंसी प्लान करने का जो सही समय है, आपका पहला बच्चा 30 साल की उम्र से पहले हो जाना चाहिए, यह कोई मिथ नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है, यह बिल्कुल सही बात है। क्यों ये बात सही है, क्यों बड़ों की ये राय बिल्कुल ठीक है, कोई गलत फहमी, कोई मिथ नहीं है? क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, स्पेसिफिकली महिलाओं के अंदर जो अंडा होता है उसकी क्वालिटी डिटोरिएट होती जाती है, यानी कि उसकी जो क्वालिटी है, जो संख्या है, वह भी कम होती जाती है और क्वालिटी भी डिटोरिएट करती जाती है, जिसके कारण गर्भ ठहरना धीरे धीरे मुश्किल होता जाता है, या फिर अगर ठहरता है तो मिसकैरेज होने का, यानी कि अबॉर्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसी कारण आजकल आपने देखा होगा कि IVF का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा दंपतियों को IVF कराना पड़ रहा है, क्योंकि अपने आप गर्भ ही नहीं ठहर रहा, क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जो अंडे होते हैं, जो बीज होते हैं, उनकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो चुकी होती है और क्वालिटी भी ख़राब हो चुकी होती है। पहली इंपॉर्टेंट बात कि एक तो गर्भ ठहरता नहीं है अगर आप ज़्यादा डिले कर देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब आप ज़्यादा डिले करते हैं तो माँ और शिशु दोनों में ही होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की जो संभावना है वह बढ़ जाती है। अगर एक 25 साल की महिला प्रेगनेंसी प्लान करेगी, और उसी को मैं कंपेयर करूँ एक 35 साल की महिला प्रेगनेंसी प्लान करेगी, तो जब हायर एज ग्रुप में प्रेगनेंसी प्लान की जाती है तो गर्भावस्था के दौरान महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ना, शुगर लेवल्स बढ़ना, इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इवन बेबी के अंदर होने वाले कॉम्प्लिकेशंस भी, यानी कि बच्चे का जो मानसिक विकास है या जो डाउन सिंड्रोम वगैरह है, ये सब भी उम्र से रिलेटेड होते हैं। यानी कि डाउन सिंड्रोम, जो कि आप लोगों ने सुना होगा, एक मेंटल रिटार्डेशन की बीमारी है जो जन्मजात होती है और जिसका कोई बहुत इलाज आज तक भी नहीं है। तो जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये डाउन सिंड्रोम होने का रिस्क भी बच्चे के अंदर बढ़ता जाता है। तो जी हाँ, आप समय से प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। डेफिनेटली शादी के बाद कुछ समय लेना आपका लिए ठीक है, 6 महीना साल, लेकिन आजकल जो हम देखते हैं 3-3, 4-4, 5-5 साल लेते हैं, उसके कारण बहुत सी बार फिर आगे जाकर प्रॉब्लम आती है। बहुत सी बार इवन कपल्स कंसीव कर जाते हैं, शादी को 2-3 साल भी हो चुके होते हैं, पर वह कंटिन्यू नहीं करना चाहते और हमारे पास डिसकंटिन्यूएशन के लिए आते हैं। तो ऐसा करने की जगह बेहतर है कि आप समय से प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। जो आपकी मम्मी, दादी, नानी या सास जो ये कह रही हैं, जो ये आपको सलाह दे रही हैं कि समय से बच्चा कर लो, वो बिल्कुल सही है, वह किसी भी प्रकार का कोई मिथ नहीं है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है, तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड पूरी गाइडलाइंस डिटेल में दी गई हैं, कब अंडा निकलता है, कौन से फर्टाइल डेज होते हैं, वो आप डिटेल में देख सकते हैं। थैंक यू।